मंदिर का नाम है यू मैजेस्टिक। यू मैजेस्टिक पीठ के पीछे कुछ आ रहा है पूरी बॉडी। चले मैं इतना लालच दे सकती हूँ कि मुझसे जो शादी करेगा वो इस बात को सुन ले कि इतना बड़े डाइनिंग टेबल में लेकर आऊंगी। Assalamualaikum our YouTube family, welcome to Masala Vlogs and other vlogs. मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है, और फ्राइडे फन डे आप सबको जो है जुम्मा जो है मुबारक हो, और वीकेंड जो है स्टार्ट हो गया। और आपको जैसा कि पता है कि आज हमारा वीकेंड का जो है प्लान है, तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं मैं सबका के साथ जो आपको बता था हमने, तो आपको पता चल गया, चलिए बता ही देती हूँ। आज हम जा रहे हैं एक्सपो सेंटर, और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है एक्सपो सेंटर में जो है फर्नीचर एग्जीबिशन जो है लगा है। मेरे ख्याल से इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो इस तरह से कुछ नाम है वो लगा है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो आज हम लोग जो है वहाँ जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि जदीद तरह के पता नहीं 100 ब्रांड 100 कंपनी ने वहाँ पे अपने फर्नीचर्स लगाए हैं, और क्या क्या भाई बहुत कुछ है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करना था कामरान शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मतलब कि कुछ बदतमीज़ लोग जो है मेरे पीछे लगे हुए हैं, और आपने जो है आगे बढ़ के उन्हें रिप्लाई दिया। तो अच्छी बात के लिए हमेशा जो है शुक्रिया अदा कर देना चाहिए, तो बहुत 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 दिल से जो है हम आपका जो है वो शुक्रिया। चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और घर में जो है मैं बिरयानी बना के जा रही हूँ, तो इस वक्त जो है हम लोग जुम्मा की नमाज़ वगैरह से फारिग हो चुके हैं। इस वक्त जो है साढ़े दो तो होते नहीं है ना, 2:30 बज रहे हैं, और मैंने नेल कलर लगा लिया है, बिरयानी का कोरमा बना लिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मम्मा के लिए जो है मैं जा रही हूँ चाय लेके, फिर जो है हम लोग तैयार वगैरह होकर फिर आपसे मिलते हैं। बिरयानी के लिए सालत देखें जो है मैंने बना लिया, मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ, मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे जो है मैं तैयार हो चुकी हूँ, और सभी का भी जो है वो तैयार हो गई है। साइमा फैजान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, आपका कमेंट देखें मैंने जो है रीड कर लिया था, आ गया आपका कमेंट। और इस वक्त जो है 3:30 बज रहे हैं, और हम लोग जो है अभी से तैयार हो गए हैं, क्योंकि हम जो है लाइट के हिसाब से जाएंगे ना कि वापसी पे जो है वो हमें लिफ्ट मिल जाए। बिरयानी की जो है मम्मा तय लगा के नहीं जा रही हैं, कह रही हैं बस हम लोग आ ही जाएंगे, क्योंकि अब 3-4 घंटा थोड़ी वहाँ ठहरना है हमें। बस फर्नीचर्स वगैरह देखें, काफ़ी मॉडर्न फर्नीचर आए हुए, कह रहे हैं काफ़ी अच्छा चैनल जी, देखते हैं कैसा एग्जीबिशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम। बाकी चीज़ें मैं आपको रास्ते में बताती जाऊँगी, और अभी जो है मैं और सभी का अपना ओवर लुक भी आपको जो है दिखा देते हैं। और मैंने जो अपना मेकअप कर लिया ये देख लीजिए भाई, तो चले फिर अभी ओवर लुक दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ब्यूटीफुल सभी का जो है तैयार हो रही है, लाइट्स ऑन कर देते हैं टप टप टप, और ये देखिए सभी का जो है ये इस तरह से तैयार हो रही हैं। और अभी चलिए मामा को बुलाते हैं, ये देखिए कोई बड़ा सा ट्रक गया पूरी आवाज़ के साथ, मामा को बुलाते हैं ताकि हमारा जो है ओवर लुक मामा दिखाएं। आ जाओ, ये हमारी ओवर लुक है दोनों बहनों की। और गेम चेंजर, तुमने कहा कि ये जो है बोब, तुमने कहा कि उसको बोब बोलते हैं और बटरफ्लाई हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके बिना अच्छा नहीं, ये नहीं लगाओ अच्छे, तो यार ये नहीं लगाते ना, तो फिर इधर स्टिचेस हुए थे ना, तो फिर वो नज़र आ रहे थे तो बुरा लग रहा था, तो इसलिए तो ये लगाना अच्छा है। और चले मेरी ओवर लुक भी देखें और इनकी ओवर लुक भी देखें, बाकी एक आप चलो जल्दी जल्दी चलो, हमने राइट मंगवाई है, राइट जो है वो आ रही है, तो चले फिर चलते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, कि मतलब है ना, तुम्हें और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा, हम लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। कैमरा बंद करो और चलो चलो। चलें जी, राइड हमारी आ गई है। शहजाद अहमद थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, अरमान हसन हाँ भाई व्लॉग जो आज छोटा का गया, छोटा सा आ गया, सॉरी, बस अपनी जो है तैयारियां हम लोग जो है आप लोगों को दिखा रहे थे, थैंक यू सो मच, आप वीडियो देखते हैं कमेंट करते हैं। और चले फिर जल्दी जल्दी से चलते हैं, राइड हमारी वेट करिए। हम लोग जो है राइड पर आ चुके हैं, और मम्मा को जो है हमने आगे जो है वो बैठा दिया है, हमेशा जो है मम्मा को जो है हम लोग आगे जो है वो बैठा देते हैं, और जब पापा ये नहीं होते हम लोग होते हैं, तो चले फिर अब चल रहे हैं रास्ते में। और आज कोई हम लोग ऐसे झूले खाते हुए पहुंच रहे हैं ना, ये देखिए क्या झूले खाते हुए हम पहुंच रहे हैं, ये देखिए कराची की सड़कों में मतलब कि गाड़ी टूट जाए फूट जाए कोई परवाह नहीं है, बस शॉर्टकट में जो झूले हम लोग खा रहे हैं कि बस देखिए। खैर ये है कि झूलों का जो काफ़ी मज़ा आ रहा है, इतनी सड़कें जो टूटी हुई है ना, बस झूले खा खा के जो है हम लोग पहुँच रहे हैं। और यहाँ भी ये देखें ये रील स्पेशलिस्ट यहाँ पर रील बनाने में लगी हुई है, ये देखें हम दोनों की जो रील बन रही है, रील्स बन रही हैं। और चले फिर ये जो है हमने एंट्री ले ली है, और इसको क्या बोलते हैं भैया, गेट है क्या है ये, टेंट नहीं नहीं ये क्या है, टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपो हॉल, हॉल हॉल नंबर 5 और 4 में लगा है, तो हमने जो है एंट्री जो है ले लिए, देंगे काफ़ी जो है थोड़ी पब्लिक तो लग रही है, आई हुई है यहाँ पे पब्लिक, तो चले फिर चलते हैं।
ये हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर, और अभी जो ये वाले में हम एंट्री लेंगे। और ये रही ब्यूटीफुल सभी का, और इतनी रोशनी है कि मुझे इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस मैं कैमरा से चला। और ये रही मम्मा। चले अभी जो है यहाँ पे ये आउटडोर जो पिक्चर का बना हुआ है, पता करते हैं। मुझे लग रहा है ये पैसे से लेंगे तो हम नहीं खिंचवाएंगे, नहीं तो लेंगे तो हम यहाँ पे पिक्चर्स ले लेंगे। और अभी जो जा रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने ले लिया सभी, अगर ये अंदर चले मैं बंद करती हूँ, अब चेकिंग हो रही है। हाँ अंदर हम लोग आ गए हैं, और स्लो सा म्यूज़िक चल रहा है, और बस ये पसीना जैसे से एसी रहेगा वैसे से स्वेटिंग जो है वो ख़त्म होगी। और स्वेटिंग आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है। चलें जी, जैसे से होता है फिर करते जाते हैं। ये देखें सभी का को इस चेयर पे बैठो, इस चेयर पे जो है सभी का को कुछ कराया जा रहा है। अभी इनसे पूछते हैं भाई क्या चेयर है। इस सीट का क्या नाम है? इस चेयर का नाम है जी यू मैजेस्टिक। यू मैजेस्टिक। पीट के पीछे कुछ आ रहा है मेरे। पूरी बॉडी का आपका मसाज करेगा ना। ओह अच्छा, ये रोल घूमता रहेगा। yes. वाह मम्मा, आपको बैठना चाहिए था। बनता भी उनके ये बैठना, पता नहीं एज के अकॉर्डिंग बनता है मसाज। सीरियसली उनको ही बैठना चाहिए मतलब। हालत चेक कीजिए मेरी यहाँ पे क्या हो रही है। बैठना मम्मा को था पर बैठा दिए, पर वो बैठ गई, उनको ज़्यादा शौक है बैठने का, लेकिन बैठना मम्मा को था। लेकिन चलें खैर है, अब दूसरी चीज़ें दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये खूबसूरत ब्यूटीफुल फर्नीचर, वाह इट्स सो ब्यूटीफुल। इसकी प्राइस भी यहाँ पे लिखी हुई आपको दिखा देते हैं, 240,000। ये 240,000 में क्या क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं बेड साइड टेबल, ड्रेसर, मिरर, और बस ये सब दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं ये देख लीजिए भाई, ये पूरा बेडरूम सेट। मैं तो यहाँ पे पिक्चर लूँगी। अभी जो है मैं अपने आप को कम दिखाती हूँ, चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाती हूँ, ठीक है? बेटी देखें पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई हैं। ये देखें खूबसूरत सा बेड, उन्हें डर लग रहा है कहीं मैं ये ना कह दूँ अम्मा मुझे यही दीजिएगा, आप भी चाहिए इसमें। देखते हैं क्या चलते हैं, देखते हैं ये माँ बेटी किधर गई हैं, इन्हें ढूंढते हुए हम जा रहे हैं। ये रहीं, वाह इधर हैं आप दोनों। मम्मा मैंने एक बेडरूम सेट अपने लिए पसंद किया है, तो बुक करा लें हैं, देंगी आप मुझे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूल्हे मियाँ आप लालच में मत आइएगा, क्योंकि ये मुझे नहीं देंगी, बस मुझे चुप कराने के लिए बोल देंगे। गेम चेंजर इस पार्किश प्रोफेशनल जो है डेवलपर का नाम है, और प्राइस इसकी होगी कोई 300-400 रुपये। मैंने असल में डिक्सन के शेड के साथ ये सेट लिया था ना, तो उसने 1300 का कंप्लीट मुझे दिया था, तो ये कोई होगा 300-400 का। पिक्चर जो है मैं कम्युनिटी पे इसकी लगा दूंगी। और आयशा अरूज थैंक यू सो मच कि आपको जो है हेयर कलर बहुत अच्छा लगा, आपको व्लॉग अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कमेंट करने का। यहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी, और शायद उनका जो है शादी है, तो वो देख रहे थे ये बेडरूम सेट, तो मुझे इसकी प्राइस वगैरह सही से पता चल गई, तो बेड सेट की प्राइस वगैरह दिखा देंगे, जिसमें ये बहुत ही खूबसूरत सा बेड है। लेकिन ये देख के मैं परेशान बहुत थी कि अगर लड़की अपार्टमेंट में आ रही है तो ये गंदा कितनी जल्दी हो जाएगा। गंदा तो खैर होगा चाहे आप जितना, वो कह रहे थे कि बस डस्ट मारो ये गंदा नहीं होगा, कपड़ा मारो ये गंदा नहीं होगा। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि कपड़ा मारो तो ये गंदा नहीं होगा। और यहाँ पर जो है इसकी कोई प्राइस इस तरीके से थी 2,25,000 में ये ड्रेसिंग बेड और कबर्ड जो है वो दे रहे हैं। ये देखें सोफ़ा सेट भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत लगे हुए हैं भाई, 2,05,000 का। ये इसमें कितनी सीट्स हैं? 1, 2। शायद शादियों का जो है सीज़न चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बेडरूम सेट्स बहुत अच्छा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आप लोग की शादी करीबी शादी हुई है तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या बेडरूम सेट की सच में इतने एक्सपेंसिव हैं, फर्नीचर इतना एक्सपेंसिव जा रहा है, क्योंकि मैंने तो फर्नीचर लिया नहीं है। और मुझे यहाँ पर कहना था होम बाइटी, हाँ भाई गुलिस्तान जौहर जो है बंद है, जगह जगह सुना है टैंकर लगे हुए थे रखे हुए थे, लेकिन पापा के ऑफिस से जो है खास नोटिफिकेशन आया था कि ऑफिस ज़रूर आना है। यहाँ पर मम्मा और सबिका की जो है पिक्चर हो रही है, और थैंक यू होम बाइटी तुमने जो है कमेंट किया, और वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पर ये देख लीजिए भाई, और स्मोक स्पाइस किचन भाई, वो सीधा ही हाथ है, वो कैमरे की वजह से तुम्हें लेफ्ट हैंड शो हो रहा है, लेकिन वो जो है मेरा राइट हैंड। और यहाँ पे सबके प्राइस में दिखाती है। पर्सनली मुझे अपने रूम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहूँगी मेरे रूम में जो है ना ये चीज़ ज़रूर हो, तो इसकी प्राइस देखना है, ये 87,000 का है। आई थिंक इसको कॉफ़ी टेबल एंड चेयर बोलते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मा भी खड़े होकर देख रही हैं। अच्छा मुझे इस बेडरूम सेट का ना ड्रेसिंग टेबल अच्छा नहीं लगा। और अब एक ये है,
और मोहम्मद अब्दुल्ला थैंक यू सो मच, आप हमारा व्लॉग देखते हैं और वो जो जिस स्टोरी की बात आप कर रहे हैं ना वो बात ही इतनी बड़ी खुशी की है, वो मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी क्या एक्चुअल में हुआ क्या है। हमें उसी वक्त जो है पता चला क्योंकि इंस्टाग्राम से जो है वो चीज़ें लेके जो है फ़ौरन हमें सरप्राइज दिया। बहुत ज़्यादा है लेकिन खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, अभी तो हम लोग और जगह गए नहीं है, अभी तो सिर्फ बेडरूम सेट्स वगैरह देख रहे हैं और मेरे ख्याल से पेरेंट्स वगैरह भी लड़कियों के आए हुए हैं जो देख रहे हैं और हर चीज़ देखें। ये पहचानते तो हमें बताइएगा ये कौन है, क्योंकि इनको मैं नहीं जानती ये कौन है, आई डोंट नो ये कौन है। मैं आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करती हूँ, जो बात है मैं बिल्कुल वही बोलती हूँ। एक्सपो जाना है फिर कहूँगी, दिल चाह रहा है देखने का, खूबसूरती देखने का दिल चाह रहा है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेने का दिल चाह रहा है, अगर आप फारिग हैं और कोई जगह नहीं जाने को है, घूमने का दिल कर रहा है, चले जाइए। लेकिन अगर जो है ख़ास भाई एक्सपो लगा जितनी इसकी पब्लिसिटी हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। गर्मी आपको मेरे फेस से दिख रही होगी कितनी ज़्यादा है, फर्नीचर जो है मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पर दिखा दी है कि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा। अच्छा आपने ना कॉमेंट पर मुझे ये ज़रूर बताना है कि जो प्राइसेस यहाँ पर है नॉर्मली फर्नीचर्स की, बेडरूम सेट्स की और सोफ़ा सेट वगैरह की, इतनी ही फर्नीचर की जो है प्राइसेस मार्केट में भी हाई है नॉर्मल मार्केट में के नहीं, ये बात आपने मुझे ज़रूर बतानी है क्योंकि इस बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। ये देखें सभी का जो है बैठ रही है ये देखें सभी का जो यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ ना सभी का मज़ा आ रहा है ना आपको, बहुत मज़े का है, चलो काफ़ी मज़ा ले रही हैं सभी का यहाँ पे आराम से, हम यहाँ सभी का की थोड़ी सी पिक्चर्स भी ले। पूरे एक्सपो में घूमने के बाद एक ये जगह थी जो हमें बड़ा सुकून मिला था क्योंकि यहाँ पे ये जो है झूले पे बैठने की परमिशन थी और बाकी फर्नीचर्स में जो है ना बैठने की परमिशन वगैरह बेड वगैरह पे नहीं थी ना, उन्होंने सेट वगैरह किया हुआ था। अब लोग जो है ख़ुद ही वो बैठ जा रहे थे शौकिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अलाउ नहीं था, तो इसलिए जो है हमने भी कोई इस तरह की हरकत वहाँ पर नहीं की। और यहाँ पर जो है गालीचे वगैरह जो है वो रखे हुए थे और गालीचे वगैरह की जो है काफ़ी शॉप थी और बहुत खूबसूरत खूबसूरत से काफ़ी प्यारे प्यारे थे। और हमने जो है पूछा का डाइनिंग टेबल बड़ा पसंद है, ऐसी फैंसी चेयर बहुत पसंद है। अच्छा जी म्यूजिक लगा हुआ है तो सभी का तुम ये देखें कितना खूबसूरत है, वाह हर चीज़ को देखे बस यहाँ पे मेरे मुंह से निकल रहा है वाह। और सोचे इतना बड़ा डाइनिंग टेबल अगर हमारे घर में हो क्या होगा मम्मा, फिर चली गई नहीं जवाब दे रही है। चले मैं इतना लालच दे सकती हूँ कि मुझसे जो शादी करेगा वो इस बात को सुन लेगा इतना बड़ा इस डाइनिंग टेबल में लेकर आऊँगी है मम्मा, दे दूँगी लालच दे दूँगी इंशाल्लाह कह रही है इंशाल्लाह, यानी मुझे जो है इसमें कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ इतना बड़ा डाइनिंग टेबल ज़रूर मिलेगा, सही है तो ये डाइनिंग टेबल पक्का सब कुछ मिलेगा बेटा। नहीं डाइनिंग सब कुछ ले जाने वाली चीज़ आपकी बेटी नहीं है, डाइनिंग टेबल। बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ आउटस्टैंडिंग है और हर चीज़ देख के दिल कर रहा है वाह। और सबसे बड़ी बात मेरे जहेज़ का ड्रेसिंग डाइनिंग टेबल यहाँ पे फाइनल हो गया। आए तीनों माँ बेटी पिक्चर लेते हैं, आ जाए मम्मा को मिलो, सेंटर मिलो मम्मा को, चले है ना मम्मा, खुशी की बात है ना, मेरे जहेज़ के लिए वो डाइनिंग टेबल डिसाइड हो गया, अभी मिस्टर सोहेल को भी घर जाके दिखाएंगे। अच्छा इससे ऊपर जाके फूड को बना हुआ है लेकिन फूड को हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है मैं डाइटिंग पे हूँ तो इसलिए नहीं। ये मेरे जहेज़ के लिए पसंद किया गया, ज़रा प्राइस तो देख लें, प्राइस देख लें भाई कितनी महंगी चीज़ मुझे जहेज़ में मिलने वाली है। सभी का भी देख रही है कि मारिया को आखिर क्या मिलने वाला है, तो ये मिलने वाला है मारिया को ये भी साथ मिलेगा, नहीं ये साथ नहीं मिलेगा, ये इसके बिना मिलेगा, ये मारिया को खुद सजाना पड़ेगा। मासूमा अजहर आपने जो है सेकंड टाइम जो है हमारी वीडियो देखी, व्लॉग देखा, आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच। और आपने जो बोला तो मैं उस पर जो है पूरी ध्यान दूंगी कि नेक्स्ट टाइम जो है आप खुश रहें। हम लोग इधर आए हैं और इधर भी रिलैक्सिंग चेयर्स हैं, देखते हैं क्या है भाई, सारे जो है बड़े आराम आराम से यहाँ पर बैठे हैं। सभी का को हम किसी चेयर में बैठा देते हैं, सभी का बैठ के देखिए ये हमारी आरामदेह चीज़ सभी का ही है, हर जगह बैठ बैठ के आराम ले रही हैं। चलिए जब थक जाएँ हर तरफ से तो आप बैठ जाएँ, वाह आपके तो बहुत मज़े आ रहे हैं, गुड। बहुत दिनों के बाद जो है हम लोग तीनों बाहर निकले थे और बहुत अच्छी जो है हमारी गैदरिंग बनी हुई थी, घूम रहे थे, इतनी लाइट्स थी तो हम तीनों को बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके डाइनिंग टेबल जो है 1,90,000 से 80,000 का जो मुझे जहेज़ में मिलने वाला है वो आप लोगों ने देख लिया, कितने का है ना मामा, पक्का है ना मामा, पक्का है इंशाल्लाह पक्का है वो मुझे, तो मैं डाइनिंग टेबल लेके आ रही हूँ जहेज़ में तो वो है। और यहाँ पे पब्लिक जो है इस तरह देख रही है कि बस पैक करवा रही है, लेकिन बाहर मुझे एक भी ट्रक नज़र नहीं आया।
लेकिन स्वेटिंग से क्या हालत हो रही है, एसी ऑन है लेकिन रश बहुत है जिसकी वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हॉल 4 जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अब हम हॉल 5 जा रहे हैं जो कि सामने की तरफ रास्ता है, तो अब मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। हमने सामने सामने रखा है, यहाँ पे मेरी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है, मम्मा मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। वो डाइनिंग टेबल हम लोग अभी नहीं ले सकते, जब शादी होगी तो वहाँ ले जाएंगे, अभी अपने घर रख लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, पुराना हो जाएगा, बैठ के खाना जानती है सब। आते साथ ही यहाँ पे हमें डेकोरेशन चीज़ें मिल गई हैं भाई, ये देखें। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मारिया की ओवरलुक मिल गई है, ये देखें। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी ओवरलुक इतनी अच्छी आ रही है, क्योंकि आज मैंने अपनी पिक्चर एक बार भी नहीं देखी है, बस खाली तैयार होकर आने के चक्कर में। ये देखें जैसे हम पिक्चर अपनी क्लिक करवा ली हमने, सभी का मेरा तमाशा देख लिया खड़े होकर गुस्से में। यहाँ पे वो फर्नीचर है जिन्हें पुरसकून जो पीसफुल हैं थोड़े थोड़े मेरे जैसे, क्योंकि मुझे भी अपने बेडरूम का लुक जो है वो इस तरह का करना पसंद आएगा, तो काफ़ी पीसफुल ही है यहाँ पे भी। चलें ये देखें, और वो रही सभी का। पीसफुल तो था पर प्राइस भी इतनी पीसफुल थी कि बिल्कुल मुझे जो है पीस जो है वो फील हो रहा था, इसलिए कह रही हूँ कि ज़रा मुझे बताइए भाई ये क्या चक्कर है, सच में इतनी ही महंगाई है या यहाँ पे लग रही है। और ये रहा पूरा जो है एक्सपो जो है, और कई व्लॉगर्स यहाँ पे आए हुए थे, और ये देखिए ये हॉल नंबर 4 अंदर लिखा हुआ है, बाहर जो है 5 लिखा हुआ है। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पर जो है क्रॉकरी की भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एग्जीबिशन वगैरह कुछ लगी हुई थी, और इतनी कोई ताकि सभी का जो है यहाँ पे खड़ी होकर थोड़ी सी तर्किश लुक दे दें। वहाँ पे अंगेठियाँ भी जल नहीं है भाई, ये अच्छा है बच्चों को जलाने के लिए, रख दो टीवी लॉन्च में, इधर मत आना। 38,000 इसमें कबाब बन सकते हैं, कबाब बन सकते हैं, किससे पूछे, पागल क्या पूछना नहीं, बिजली कट जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। मम्मा कह रही है इलेक्ट्रिक है, नहीं नहीं पूछना नहीं, क्या करें पूछे, नहीं स्क्रीन है, मुझे भी काट दिया भैया। क्या बोला आपने मुझे, ये देखें 25,000 का। सच में मेरे हाथ से जाया हो जाएगी, मम्मा के लिए ताजमहल बनेगी, इमेजिन। हाँ इलेक्ट्रिक सेट आ गई, नहीं तुम बैठोगी, मैं तो नहीं बैठे, मैं नहीं, आप सारी टेस्टर आप हैं, टेस्टर के लिए हमने सभी का को रखा है। अच्छा ये कैंडल स्टैंड भी जो है मेरा बड़ा फेवरेट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, आप लोगों को नहीं पता तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ये देखें रिलैक्सिंग चेयर, नहीं मैं तो नहीं बैठूंगी, मम्मा को बैठाते हैं, मम्मा मम्मा जाए, मम्मा जाए, मम्मा हाँ मम्मा हाँ क्या बहुत तकलीफ से हार। अच्छा चलो सारे बैठे, ये देखें ये सारे ना, ये सारे चल चल के थक गए, थकावट उतारने के लिए ना यहाँ के बैठ जाते हैं, लेना वेना किसी को नहीं है। और ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें कितनी प्यारी लगेंगी सभी का, सर्विंग ट्रे, सर्विंग ट्रे, सारी वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जो कि हम इंडियन ड्रामे में 500 करोड़ मालिकों के घरों में देखा करते थे। और किसी गली की कोई लड़की, मोहल्ले की नहीं, चांदनी चौक की लड़की, वो 500 करोड़ पूरा अपने नाम करवा लेती थी। यहाँ पर भी कोई 500 करोड़ का आया हुआ हो, नहीं यहाँ कोई नहीं आया, मुझे आइडिया हो रहा है यहाँ पे 500 करोड़ का मालिक कोई नहीं आया, लेकिन बने हुए यहाँ सारे करोड़ों के मालिक है, क्योंकि सब चीज़ें मैं भी तो ले रही हूँ ड्रेसिंग, लिटरली इतने गौर गौर से देख रहे हैं कि बस कहेंगे कि बस आप ये काट पकड़ो मेरा, मैंने भी तो डाइनिंग टेबल लेना है। कोई आया हुआ है यहाँ पे, कोई लकी विनर वगैरह का शो चल रहा है यहाँ पे, घर वर मिलेगा भाई, चलो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे किसी काम का नहीं है तो यहाँ से हम निकल ही जाते हैं। ये आई ना ब्यूटीफुल जगह, चलें ये सीनरी सभी का, ये देखें कितनी खूबसूरत खूबसूरत सी सीनरी है। मम्मा 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 आपके लिए ख़रीदूंगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए लूंगी मैं, नहीं ताजमहल में ना, हम घर में आ जाएंगे।
आपको मेरी पूरी वीडियो में हर जगह नज़र आएगा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, वाह वाह, इसमें कोई शक नहीं है, सब बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत है। पर जो कि था इंटरनेशनल यूनिक फर्नीचर की जो है वो एग्जीबिशन है, तो इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मेरी देखी हुई हैं, मुझे न्यू कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। ऐसा डाइनिंग टेबल मैंने कई फैमिलीज़ के घरों में देखा है, ऐसा जो है कॉफ़ी चेयर भी मैंने कई दफ़ा देखा है घरों में, और ऐसे फर्नीचर भी जो है मैंने कई दफ़ा देखे हैं। हाँ, ये प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आप किसी के घर में देखते हैं तो आप उससे प्राइस तो पूछते नहीं है, लेकिन आजकल मार्केट रेट्स क्या जा रही हैं आपने कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताना है, ताकि सबको जो है आइडिया हो जाए कि मार्केट रेट्स क्या हैं, फर्नीचर के प्राइस क्या हैं, बेडरूम सेट की प्राइस क्या है, सोफ़ा सेट की प्राइस क्या है, और इंटरनेशनल चीज़ जैसे अलग सी कुछ यूनिक सा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मामा कैसा लगा आके, यानी हम इतने एक्साइटेड हम जाएंगे कैसा लग रहा है? अच्छा, ज़ोर से बोले ना, बहुत अच्छा लग रहा है, आवाज़ सुन के लग रहा है बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। चल चल के थक गई है, चले मेरा ख्याल जब हम निकलते हैं, क्योंकि अब काफ़ी घूम लिया। मैंने जो है आज बहुत बड़ा सा जो है व्लॉग बना दिया, क्योंकि मैंने जो है पूरा फर्नीचर इंटीरियर एक्सपो जो है पाकिस्तान फर्नीचर इंटीरियर एक्सपो को जो है कवर किया है। मैंने कोशिश की है कि एक चीज़ आपको दिखाने की, जो लोग जो है इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसकी पब्लिक सिटी इन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई है, नहीं जा सक रहे हैं, तो वो जो है मेरे व्लॉग में इसको देख लें। हर टीवी चैनल्स में कह रहे हैं कि इसके बारे में जगह जगह एड्स लगा हुआ है। कल जो है मेरी कई फ्रेंड्स ने जो है मुझसे कॉल पे पूछा, यार तुम गई हो, कैसा है, क्या है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है हम डायरेक्ट जो है हम वहीं पे जो है डालते भी जा रहे थे वीडियोस रील्स फोटोज़, तो इसलिए मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं अभी थोड़ा और वेट घूमूंगी, यहाँ पर और चीज़ें देखनी है मम्मा को, देखते हैं क्यों देखनी है और चीज़ें। अच्छा लग रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो कह रही है मैं अभी कभी कभी हम लोग आते हैं तो हम इसको और घूमेंगे, और पिक्चर दो। हम लोग जाना चाह रहे हैं, अब कह रहे हैं अब घूम लिए, अब एक ही चीज़ को कितना बार बार देखें, तो मामा क्या कह रही हैं? नहीं, तुम लोग जितना घूमना घूमो, कौन सा तुम लोग घूमने आती हो, डाइनिंग टेबल भी दिला रही है। जब तक सभी का जो है राइड करवा रही है, तो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है, तो चले फिर वहाँ पर जो है मामा को लेके जाते हैं, और मामा को जो है थोड़ा सा और घुमा देते हैं। मामा बड़ा इंजॉय कर रही हैं और हम भी जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये 130,000 का पूरा सेट है सोफे का, यूनिक सी चीज़ मुझे नज़र आई है, मैं वीडियो बनाने आई हूँ। ये क्या है सुपर? झूला झूलते रहे, डिनर लंच ब्रेकफास्ट, चाय ऊपर नहीं गिर जाएगी झूला झूलने में, सिर्फ भी अंदर बंद कर देते हैं। वाह, अगर हम मैं चाहूँ अंदर जाके अकेले इंजॉय करना, सबिका को अंदर नहीं लूँ तो मैं कर सकती हूँ सिर्फ ना। थैंक यू। हर चीज़ जो है बड़ी अच्छी है, और वहाँ पे जो है सब मज़ा आया बड़ा। निकलते निकलते हमें जो है एक और बेडरूम सेट जो है वो नज़र आ गया था, और इसका ड्रेसिंग टेबल जो है मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी मतलब न्यू स्टाइल का था, बेड भी जो है बड़ा प्यारा था ड्रेसिंग। लेकिन बात ये है कि मुझे देख के बड़ी परेशानी हो रही है, कराची का जो इन्वायरमेंट है, जो कि मिट्टी की हालत है, ये ऐसा फर्नीचर रख भी कैसे सकते हैं? तो आप लोग मुझे बताइए इसको क्लीन कैसे किया जाता है, मुझे तो आइडिया नहीं है। कोई इतना घूमे कि अब हम लोग थक गए, लेकिन डाइटिंग की वजह से जो है मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी सकती, मैं कोई जूस नहीं ले सकती, और मैं फूड को जा ही नहीं रही हूँ कि मैं वहाँ पर जाके कुछ खर्चा ना करता, और ये हमारी लाइट आ रही है, और गर्मी अब थोड़ी इस हॉल में थोड़ी गर्मी कम है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड कम है, और मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप किया था बताना भूल गई थी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक और बस अब इतना ही है। हाँ, फॉलो कर लीजिए, फ़ौरन जो है हम लोग अपडेट कर रहे हैं, और अब हम एक्सिट की तरफ जा रहे हैं। कितनी देर है आने में राइट? 3 मिनट 2 मिनट बस, चले फिर चलते हैं, और आपको जो है, हाँ मामा कह रही है रास्ता किधर से? यहाँ से उस तरफ से रास्ता, चलो फिर चलते हैं। ये एग्जीबिशन जो है एक्सपो में फर्नीचर इंटीरियर एग्जीबिशन ये लगा है, जो मैंने मेरे ख्याल से पूरा ही दिखा दिया है। यहाँ पे ये देखिए मज़ीद सामान जो है और लगने को आ रहा है एग्जीबिशन में, और टेंट वेंट इसे बढ़ाएंगे यहाँ पर। और अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ शॉप वालों से बात हुई है, तो अगर आपको ये फर्नीचर पसंद आता है, आपको ऑर्डर करना है, तो आप 2000 दे के बुकिंग करवा सकते हैं, और फिर इनकी शॉप से जाके उसको उठवा भी सकते हैं। कुछ बच्चियों का जो है जहेज़ ख़रीदने भी पेरेंट आए हुए थे, वो पसंद भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और सोफ़ा सेट मैंने आपको बताया है कि हर चीज़ जो है वो कितने की है, काफ़ी चीज़ें, बहुत अच्छा लगा, बहुत घूमे फिरे, मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद गए हैं, और हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। हमारी राइड जो है आ गई है, अब हम लोग जो है जाते हैं घर। ये हम
हम लोग एंटर हो चुके हैं अपने एरिया में, मतलब कि ये जो है जौहर चौरंगी है और ये भैया जो है सर्विस रोड से ले रहे हैं। एक्चुअली दूल्हे की गाड़ी सज रही थी तो मैं आपको वो दिखाना चाह रही थी, लेकिन ये ड्राइव वाले भैया जो है ना ये सर्विस रोड से ले रहे हैं, बल्कि ये उधर से जाते तो ये जल्दी पहुँचते, लेकिन खैर है चलो सर्विस रोड से चलते हैं। ये देखिए मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा फेवरेट सा मेरा फूड स्ट्रीट गुलिस्तान है जौहर परफ्यूम चौक वाला। बहुत जल्द इसको भी मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ, इसलिए कह रही हूँ वीडियो कर लो लाइक, नोटिफिकेशन का जो है बटन दबा दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है बिना पैसों के वो मुफ्त में आपको मिल जाए, क्योंकि किसी दिन भी मैं इसको एक्सप्लोर कर दूँगी। और आपको पता है कि मैं सच बोलूँ भाई, आ गई महारानियाँ 500 करोड़ के महल से हो गए। ये देखें ये आ गई महारानी, एक महारानी ये रिखाई। खैर खैरियत के साथ घर हम लोग आ चुके हैं और सारा एक्सपो जो है आप लोगों को घुमा चुकी हूँ, सब दिखा चुकी हूँ, काफ़ी इसका एडवर्ड आ रहा है, अगर जो है ना चाहे तो चले जाएं, एंट्री जो है फ्री है। हाँ फ्री है, सब 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 फ्री है, स